वेलकम टू ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स. आज का हमारा टॉपिक है महायज्ञ का पुरस्कार. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. बेसिकली महायज्ञ का पुरस्कार मतलब क्या होता है? यज्ञ माने जो हम लोग धर्म कर्म कांड माने जो भी चीज हम लोग अच्छा करते हैं. बेसिकली अगर आप लोग शॉर्ट में बोलोगे मैम इसका मतलब क्या है, जो भी हम लोग अच्छी चीजें करते हैं, दान बोल लो, हवन बोल लो, कोई किसी का हेल्प बोल लो, जो भी चीज अच्छी में रहती है वो सब आ जाती है यज्ञ में. ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी ने कोई महायज्ञ किया होगा, यज्ञ भी नहीं महायज्ञ. ठीक है, तो उसका रिवॉर्ड क्या मिला? तो लेट्स बिगिन. ठीक है, वन सेकेंड. सो हियर इट गोस. एक धनी सेठ थे. धनी माने अमीर, सेठ थे. ठीक है, सेठ तो पता ही है एकदम बड़े कोई. अत्यंत विनम्र माने बहुत दयालु थे. अत्यंत माने बहुत, विनम्र माने दयालु, और उदार भी माने मन से बहुत सौभ दयालु. धर्म परायण इतने, धर्म परायण माने धर्म के रास्ते में, माने अधर्म काम नहीं करते थे, अच्छा सच का काम करते थे, सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, सेवा भाव रखते थे, धर्म परायण धर्म को फॉलो करते थे. धर्म परायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता, माने कोई भी साधु या संत उनके दरवाजे से सैड होकर नहीं लौटता था, या फिर निराश माने खाली हाथ भी बोल सकते हो कि बिना कुछ लिए नहीं लौटता था. भरपेट भोजन पाता, माने जो भी जाता उस पेट भर भोजन खिलाया जाता. पैसा दोगे तो हो सकता है लालच नहीं हटे, पर भूख की लालच कभी इंसान को नहीं रहती. कितना खाओगे, जितना भूख होगा उतना. क्या पेट भर जाएगा उसके बाद भी बोलोगे और दे दो, नेवर, है ना? तो इसमें यही बोला गया है. भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता था, माने जो वो देते थे अपने रसोई घर बोल लो, या फिर वो जो बांटते रहते थे उसका दरवाजा द्वार माने दरवाजा हमेशा खुला रहता था. जो हाथ पसारे वही पाए, जो हाथ ऐसे पसारता था उसी को कुछ ना कुछ मिलता था. सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे, माने बहुत दान सेवा बहुत सारी चीजें की, और दान में ना जाने कितना धन दिन दुखियों को बांट दिया था. जब इनके पास था तो ये हमेशा क्या करते थे, लोगों को देते थे. अपना कुंडलिया वाला में आया था ना कि ऑब्वियसली नौका में अगर भर जाए या फिर घर पे धन भर जाए तो क्या करना चाहिए, दोनों हाथ से निकालो. ये वैसे ही प्राणी है, रिलेट भी करो. नेक्स्ट, सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दिन दुखियों माने गरीबों में बांट दिया था. पर सब दिन होता एक समान, माने हर दिन एक जैसा नहीं होता. कभी सुख है तो उसके बाद दुख, और दुख के बाद सुख तो आना ही है. तो यहाँ पे यही है, पर सब दिन हो तो उतना होते ना एक समान, माने एक जैसे नहीं होते. अकस्मात अचानक दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा, माने को अमीर था धनी सेठ था, बट अचानक से क्या हुआ, दिन चेंज हो गया और सेठ को क्या देखना पड़ा, गरीबी का मुंह. ठीक है, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया. ये भी अपने कुंडलिया में पड़े थे क्या, कि अगर पैसा है तो दोस्त है, पैसा नहीं तो कोई नहीं. तो यहाँ पे भी सेफ नहीं है, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स दोनों ने मुंह फेर लिया. क्यों? क्योंकि अब इनके पास पैसा नहीं था. और नौबत यहां तक आ गई थी कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे, माने अब उनके पास खाने के लिए भी बेचारों के पास पैसा नहीं था. सोचो एक समय जब वो लोगों को बांट रहे हैं सारी चीजें, अब देखो क्या दिन आ गया. उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, माने अब ऐसा नहीं है बट उस टाइम कुछ होता था. ठीक है, कुछ चीज प्रचलित माने फैली थी. क्या? यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था. क्रय विक्रय माने खरीदना बेचना, आपके अच्छे कर्म का मैं होते ना, खरीदना बेचना होगा, ऐसा होता था कि आपने क्या क्या अच्छा कर्म क्या बेच सकते. छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता. आपने जैसा यज्ञ किया है, जैसा कर्म कांड किया, आपको वैसा ही मिल जाता था पैसे. जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, माने सेठ ने तो तब भी नहीं सोचा, बट उस टाइम किसने सोचा, सेठानी ने कहा, क्या ना हो तो एक यज्ञ ही भेज डालो. बोलते अगर इतने हेल्पलेस है, हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, नो वन इज हेल्पिंग, तो चलो एक यज्ञ बेच डालते अपना. आपने तो कितने अच्छी अच्छी चीजें की, अच्छा अच्छा काम किया, यज्ञ किया, चलो बेच दे. सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, अच्छा नहीं लगा उनको, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर, तंगी माने गरीबी का विचार किया, तो एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए. कितना? एक. सेठ के यहाँ के 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था. नगर, ठीक है, बहुत याद रखो, पास में क्या था, नगर था. किस नाम का? कुंदनपुर नाम का, जिसमें बहुत बड़े सेठ रहते थे. कौन रहता था? बहुत बड़े लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे. क्या नाम से पुकारते थे? धन्ना सेठ.
यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है। माने ये अफवाह फैला हुआ था कि धन्ना सेठ की बीवी को, माने दो सेठ है, एक तो ये धनी सेठ जिसके बारे में बोल रहा था और दूसरा कुंदनपुर में और एक सेठ है धन्ना सेठ, उनका बात बोल रहे हैं। और बोला जाता है उनकी सेठानी के अंदर ना शक्ति थी जिसके कारण वो तीनों लोग होते हैं ना, तीन लोग होते हैं, तीनों लोग माने तीन लोग ऐसे नहीं है ठीक है, तीनों लोग को जान की बातें जान जाती थी। माने उनके अंदर एक इंट्यूशन पावर था, आप लोग इंट्यूशन वर्ड बोल सकते हो, वो कुछ भी समझ जाती थी। धन की उनके पास कोई कमी ना थी, माने पैसे की कमी नहीं थी। किनके पास? इस वाले सेठ के पास है। इस यहाँ पे मेरे कौन है, धन्ना सेठ, नहीं सॉरी, यहाँ पे मेरे धन्ना सेठ, यहाँ पे वो जो धनी सेठ था जो गरीब हो गया वो, तो इस वाले सेठ की बात। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हें उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार डाला। विपदग्रस्त माने प्रॉब्लम में फंसे हुए सेठ ने क्या किया, सोचा चलो एक यज्ञ बेचता हूं, किसको, उनको ही, जो इनके पास सब कुछ है उनके पास ही जाएंगे ना। इसीलिए दूर की मंजिल थी, माने दूर जाना था, तो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। ये क्या दर्शाता है, गरीबी की, उनके पास आटा भी नहीं था तो बाजू से मांग कर लाई, पड़ोस से मांग कर लाई थोड़ा सा आटा। और रास्ते के लिए चार मोटी मोटी रोटियां बनाई, पतली पतली बनाई क्या, नहीं, कितनी, चार मोटी मोटी, और पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़कर, बड़े तड़के माने बहुत सुबह सुबह उठकर और कुंदनपुर की ओर चल दिए, क्योंकि उनको वहीं जाना था। और क्यों जल्दी जल्दी गए, क्योंकि गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है, माने सूरज निकल जाएगा तो और गर्मी हो जाएगा ना, इट्स बेटर कि उससे पहले जितना रास्ता क्रॉस कर सकते कर लूं। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप निकल गई। चले तो बहुत जल्दी जल्दी, बट फिर भी क्या हो गया, धूप निकल गई और चलने में अब कष्ट होने लग गया। सब सोचो अप्रैल मई का मौसम, एकदम अपना गर्मी और अपने को चलना हो तो कैसा लगेगा। सी पसीने से उनकी सारी देह, देह माने शरीर, लतपत माने पूरा माने पसीना पसीना हो गया, और भूख भी सताने लगा, इतने देर से चल रहे तो भूखे भी थे। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर, ठीक है, कुंज माने अपना हो गया, बहुत सारे माने वृक्षों का एक जंगल जैसा है, बगीचा जैसा बोल सकते हो, वैसा कुआं भी था सामने। देखकर सेठ ने विचार किया, क्या सोचा, थोड़ी देर यहाँ रुककर भोजन करता हूँ, विश्राम करता हूँ, माने खाना भी खाऊंगा और रेस्ट भी लूंगा, ठीक है। यह सोच वे उस कुंज की ओर भरे, कहाँ गए, उस कुएं की तरफ, ठीक है, कुएं की तरफ, और जो वो पेड़ वेड़ थे छाया मिलेगा इसीलिए गए। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा, माने पोटली से लोटा निकाला, डोर निकाला, पानी में डाला और डोर खींचा, हाथ पैर धोए, पैर हाथ पैर धो लिए, फ्रेश हो गया। उसके बाद एक लोटा पानी ले वे एक पेड़ के नीचे आ बैठे। कहाँ बैठे, पहले हाथ पैर धोए उसके बाद पेड़ के नीचे आ बैठे, सीक्वेंस याद रखना। और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, वो खाने ही वाले थे, इतने में देखते हैं निकट ही माने पास ही, दूर नहीं, कहाँ पे, एमसीक्यू वालों, पास, निकट, कोई हाथ भर की दूरी, कितना दूरी, हाथ भर की दूरी। एक कुत्ता पड़ा झटपटा रहा है, माने कुत्ता प्रॉब्लम में है, बेचारे का पेट कमर से लगा था, ये एमसीक्यू तो आता ही आता है, क्या बेचारे का पेट कहां से लगा है, पेट कमर से लगा है, कंधे से लगा है, नो, कहां से, कमर से लगा है। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, ऐसे उठाता, माने पूरा बॉडी ऐसे था बट फिर भी वो उठा रहा था। और पर दुर्बलता, दुर्बलता माने वीकनेस के कारण उसकी गर्दन गिर जाती है ऐसे, माने वो वीक इतना था कि वो उठ नहीं पा रहा था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर गया, किससे, दया आ गई। बेचारे को कई दिनों से खाना नहीं मिला दिखता है, क्या लगता है, खाना नहीं मिला, तभी तो यह हालत हो गई है, तभी वो इतना वीक हो गया। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दिया, छोटा छोटा पीसेस किया और डाल दिया। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया, माने जितना भी पीसेस था सब खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई, फर्स्ट रोटी खाया तो कितना जान आया, थोड़ा। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा, ऐसे ताक रहे कि भैया और चाहिए। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस था, एक थैंकफुल वाला फीलिंग था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी से और खिला दूं तो फिर चलने फिरने के योग्य माने लायक हो जाएगा। बोलता है एक रोटी से क्या होगा, चलो इसको और ही खिला देता हूं तो ये चल फिर पाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी के टुकड़े टुकड़े कर उसको खिला दिया, सेकेंड रोटी भी गया। दो रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई, पहले में थोड़ी शक्ति, अब शक्ति आ गई, वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप, समीप का मतलब है पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है, अभी भी नहीं चल रहा है, आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दी कि घर वर हो, लोग हो। सेठ ने सोचा एक रोटी से और दे दू, कितनी रोटी, एक और दे दू।
तो फिर ये अच्छी तरह चल फिर सकेगा। माने थोड़ा शक्ति तो आ गया और एक रोटी खाएगा तो चलने फिरने लगेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाए वैसे एक, माने दो रोटी खाता छोड़ दे एक खाऊंगा, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा तो मुझे जरूरत ही क्या है। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। किसको खिला दी गाइस, कुत्ते को खिला दी। ठीक है, अब एक रोटी बची, अब कितना लेफ्ट है, ओनली वन रोटी, थर्ड रोटी भी गया। उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ऊपर जमी है। माने कुत्ता और एक रोटी चाहता है, उन आंखों में करुण याचना है, प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे फोर्थ रोटी भी दे दो। सहसा सेठ के मुंह से निकला हाय, बेचारे ने ना जाने कितने दिनों से, माने बेचारा कितने दिनों से भूखा है। मतलब सेठ कितना दयालु है, देख रहे हो, खुद उसको भूख लगा था ना मेंशन, बट फिर भी वो अपना दुख भूल कर दूसरे का दुख देख रहे, कुत्ते का दुख देख रहे। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल जाएगा, इस बेचारे मुख माने जो बोल नहीं सकते और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा। माने चल और एक रोटी खिला देता हूँ, ये कहीं पहुंच जाएगा, फिर तो ये अपना गुजारा खुद ही कर लेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया। बोलो तो ये लाइन क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम लोग अधिक सोचते हैं ना तो हमारा मन चेंज हो जाता है। अगर अपने को दान करना है, डोनेट करना है, तुरंत करो ना, ज्यादा सोचोगे छोड़ना, कौन देगा, इट्स लाइक दैट। इसीलिए अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम लास्ट रोटी भी कुत्ते को दे दी। स्वयं क्या किया, एक लोटा जल पीकर रह गया, ओनली वन लोटा जल पिया, थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले, सेठ कुंदनपुर पहुंचे, दिया जले माने शाम हो गई थी, दिया तभी जलाते, पहले लाइट्स नहीं होता था, शाम को क्या करते थे, दिया जलाते थे रोशनी के लिए, इसीलिए वर्ड है दिया जले। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया, पूछा कहो सेठ कैसा आना हुआ, तो पूछ रहे कि बताओ कैसे आना हुआ। ठीक है, सेठ ने कहा संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया। तो सेठ बोला कि मैं तो सेठ जी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, इसीलिए अपना एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर कहा, मैंने पहले सेठ को प्रणाम किया और बोली सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार है, वी आर रेडी, आप जो यज्ञ बेचना आए हो हम लोग ले लेंगे, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा, ऐसे वैसा यज्ञ नहीं लेंगे, बड़ा महायज्ञ, एकदम अल्टीमेट यज्ञ जो आपने किया है वो हम लेंगे। महायज्ञ, सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ वही जो आपने किया है, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, बोलते आज जो किया वही लेंगे। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, शौक महायज्ञ और आज, वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, कि ये लोग गरीब है तो मजाक उड़ा रहे, मैंने तो यज्ञ किया ही नहीं। विनम्र माने आदर के भाव से बोले, आप आज की कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। बोलते क्या बोल रहे हो आप, आज बोल रहे हो, कितने साल हो गए मैंने यज्ञ नहीं किया, मैं गरीब हो गया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, स्थिति माने पैसा चाहिए ना यज्ञ करने के लिए, इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, कैसे भाव से कहा, गंभीर, सीरियस, नहीं सेठ आज आपने भारी यज्ञ किया, भारी माने बहुत बड़ा, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। बोलते लेंगे तो आज वाला यज्ञ लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ का मतलब क्या होता है, एकदम शौक, आश्चर्य, ठीक है, एकदम हैरान। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, माने इनको कुछ खरीदना वरीदना नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, ऐसी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो, माने रेडी हो, दोगे, धन्ना सेठ की पत्नी बोली। सेठ ने खिन्न होकर कहा, दुखी होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, क्या बोला, बोलो, सेठानी जी हंसी छोड़िए, मजाक छोड़िए, मतलब काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती है, बोलते आप क्या बोल रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा, मैंने तो कितने सालों से यज्ञ नहीं किया और आप बोल रहे हो आज मैंने यज्ञ किया है, प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर कैसे, चानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, या माँ यज्ञ नहीं तो और क्या है। अब वो उसको बता रही कि नहीं, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, आपने क्या किया, आपने खुद खाना नहीं खाया, आपने एक भूखे कुत्ते को अपनी सारी रोटी खिला दी, खुद सैक्रिफाइस करके उसको दिया, खुद की भूख मारकर उसकी भूख में चाहिए, यज्ञ नहीं तो क्या है, इसी को तो महायज्ञ कहते हैं। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं, ये सबसे बड़ा मैसेज है। अगर तुम दान इसलिए कर रहे हो सोच रहे हो भगवान मुझे और देगा तो वो सच्चा दान नहीं है, अगर तुम भलाई इसलिए कर रहे हो सोच रहे हो कि कल तुम्हें कुछ रिटर्न में मिलेगा तो वो अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए बोल रहा है कि यज्ञ कमाने की इच्छा से, कि माने होता है ना कि हम लोग कुछ चाहिए इसीलिए हम लोग करें, तो वो सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ माने बिना सेल्फिश मोटिव
भाव इज मोटिव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। माने जब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ देने के लिए कर रहे हैं, वही अल्टीमेट महायज्ञ है। कि आप इसे बेचने के लिए तैयार है, तो बोल रहे वो वापस पूछी कि आप इसको बेचने के लिए तैयार है कि नहीं है। सेठ मानो आसमान से गिरे, शॉक्ड हो गया। भूखे को अन्न देना मेरा कर्तव्य है, उसमें यज्ञ की क्या बात। बोल रहे कोई यज्ञ नहीं है, ये मेरा कर्तव्य था, इट वॉज माई ड्यूटी। मैंने कोई ये सोचकर नहीं किया कि मैं दान कर रहा हूँ या अच्छा कर्म कर रहा हूँ। क्या सोच कर विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं। सेठानी वापस बोली बेचोगे। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। साइलेंस इज द अल्टीमेट आंसर, वही इधर है कि सेठ ने कोई आंसर नहीं किया, चुपचाप पोटली उठाई और चले गए। उन्हें मन वोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लेना लगा। माने जो मन से काम किया है, जो कर्तव्य वाला काम किया, उसका पैसा लूं तो घिन वाली बात है, उन्होंने सोचा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे। माने कहाँ बैठा था, कुंदनपुर की धर्मशाला के बेस में बैठे थे, ठीक है, भूखे पेट बैठे थे और जैसे तैसे रात बिताया, पौ फटे माने एकदम सुबह सुबह जब उजाला हो गया। तो अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुंचे, वहां से निकल गए सुबह सुबह और अगले दिन शाम को घर पहुंच गए। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई बैठी थी, बड़ी बड़ी क्या पैसा आएगा। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कहां पूछी, शॉक्ड हो गई। क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले, माने उनको लगा कि धन्ना सेठ मिलते तो जरूर पैसा मिलता, क्या हुआ धन्ना सेठ नहीं मिले। सेठ ने आद्योपान कैसे बोला, बोलो आद्योपान, सारी कथा सुनाई। आद्योपान माने स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी बातें बताई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने का विलीन हो गई, माने जो भी पेन था विलीन माने गायब हो गया। हृदय उल्लसित हो गया माने प्रफुल्लित खुश हो गया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। अपने जब मुश्किल के टाइम में आते हैं तभी अपना रियल चीज पता चलता है ना, आप कौन है। तो यहाँ पे यही है कि ट्रबल के टाइम सेठ ने अपना धर्म नहीं बेचा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक माने जो मिट्टी है वो माथे पर लगाई और बोले धीरज रखे माने पेशेंस रखो, भगवान सब भला करेंगे। माने ट्रबल का जब टाइम आता है तो हम लोग को याद रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। माने रात में अंधेरा हो गया था, दिया जलाने आई ताकि रोशनी हो जाए। तो दलान माने सामने आंगन में आई तो किसी की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची वो, संभलकर आले तक, आले माने रोशनी तक पहुंची। फिर दिया जलाकर नीचे की ओर देखी, ये क्या है, निगाह डाली माने नजर डाली कि क्या है। दहलीज के सारे पत्थर ऊंचा हो गया था, दहलीज माने एक बेर था उससे कुछ पत्थर ऊंचा हो गया था और उसके बीचों बीच एक लोहा का कुंदा था। कुंदा माने जो हैंडल जैसा होता है जिसको टांग सकते थे, वो किसका बना था, लोहे का। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी, ठीक है, यही कुंदा था जिसे ठोकर लगी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल भी नहीं था, बोलते यहाँ पर कोई पत्थर नहीं था इवनिंग तक। अब ये अकस्मात कैसे उठाया, ये कहाँ से आया। सेठानी बहुत चक्की सी खड़ी रही, शौक। फिर सेठ को बुलाकर बोली देखो तो यह पत्थर कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज मुश्क माने सोच विचार में पड़ गए। दिए की चिमचिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा, माने दिए की रोशनी में एकदम ध्यान से देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है, बोले ना जिससे उठाते एकदम ढक्कन है। आखिर यह माजरा क्या है, माने क्या केस है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा, निकाला तो पत्थर पूरा निकल गया, उठ गया। और अंदर जाने के लिए सीढ़ी थी, अंदर भी जा सकते उससे। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। क्या हाथ में लिए थे, MCQ दिया। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी। माने आंख में होता है ना डार्कनेस के बाद आप कहीं उजाले में जा रहे हो तो आंख में प्रेशर होता है, एकदम वैसे होने लगा। सेठ ने देखा वहां एक विशाल तहखाना है, माने बहुत चीजें हैं वहां पे, जवाहरात जगमगा रहे। तहखाना माने छोटी कोठी या कुछ भी बोल सकते हो वैसे। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया, भगवान का ये क्या लीला है, कुछ समझ नहीं आया। दोनों निस्तंभ खड़े थे एकदम चुपचाप। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में सुनाई दिया, माने कुछ दिखाई तो नहीं दिया, सुनाई दिया स्पष्ट एकदम क्लियर वॉइस। ओ सेठ स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, यह महायज्ञ का पुरस्कार कि तुमने खुद भूखे रहकर दूसरे किसी का हेल्प किया, उस भूखे कुत्ते को तुमने खुशी खुशी अपना सारा चीज दे दिया, ये उसका पुरस्कार है, वो महायज्ञ था।
सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए. डिवाइन वॉइस था ना, दिव्य वाणी इस डिवाइन वॉइस को सुनकर एकदम कृतकृत्य माने एकदम ग्रेटिट्यूड में भर गए, मगन हो गए. वहीं धरती पर माथा टेकर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया. वहीं पर धरती पर लेट गए और माने भगवान के चरणों में क्या क्या प्रणाम किया, ऑल रिस्पेक्ट ग्रेटिट्यूड की, उनके मुश्किल का समय आप चला गए. किसने लिखा है, यशपाल जी ने लिखा है. ठीक है गाइस, तो ये ऐसा ही स्टोरी है जहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छे रहोगे, तो मुश्किल का समय भी जल्दी जल्दी चला जाएगा, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहेगा. यही चीज इस स्टोरी का बेस है. तो मुश्किल का समय है तो होल्ड करके रखो, एकदम पेशेंस के साथ रहो, जल्दी जल्दी वो भी बीत जाएगा. एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम कुछ दिन में होगा. अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट में लिखो. एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू शेयर, बिकॉज जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाओ, क्या पता किसी का भला हो. ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.